इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, नहीं। सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे अजारा तो नहीं। शाहे मदीना जलवे है सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे करम से, आबाद आलम तेरे करम से, जलवे है सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे करम से। ओम व्यो शांति अंतरे रक्षक शांति पृथ्वी शांति रापा। हरिओम हरिओम हरिओम। महापरमात्मा जी सब नाजियाँ के पैदा करने वाले, सब नाजियाँ के पृथ पालू, सब नाजियाँ के दाता, घट घट के जाननहार मारेश्वर जी, आय भगवान हम तेरे ही आश्रय हैं, तेरे को ही शरण पड़े की लाज है, तू शरण पड़े की लाज रख। हरिओम सतनाम। मैं वाल्मीकि मंदिर नीला गुंबद के पैनल से जश्न विलादत पैगंबर इंसानियत सबको मुबारक हो। पाकिस्तान वाल्मीकि सभा की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत भी है और धन्यवाद भी है कि हमारी सभा और हमारे मंदिर में आप आके हम सबको रौनक बख्शी। और इंसानियत का रिश्ता जो है ना, ये मजहबों से हट के जब आगे बढ़ेगा तो पूरी दुनिया में इसकी खुशबू इस गुलदस्ते की जाएगी, तो पता चलेगा पूरी वर्ल्ड को कि यार वो जो खिता जिसको हम इतना समझ रहे हैं उसमें तो देखिए तमाम लोग एक हैं, और इतना भाईचारे मोहब्बत का जो प्रचार, ये खुशबू जो जाएगी तो उनको यही पता लगेगा कि सब लोग हम एक हैं। हम क्या करने आए थे, क्या कर बैठे, वाह, हम क्या करने आए थे, क्या कर बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हम क्या करने आए थे, क्या कर बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे अच्छी तो उन परिंदों की जात, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। नमस्ते जी। इससे पहले हम एक लाहौर के अंदर रिलीजियस लीडर्स की, जितने रिलीजन वाले हैं उनकी 3 दिन की एक ट्रेनिंग भी करवा चुके हैं, एक आगे भी प्लान कर रहे हैं जिसमें हम सारे रिलीजन वाले बैठे, और हम वो कॉमनलिटीज़, वो जो मुश्तरका हमारे अंदर बातें हैं कि जैसे पंडित साहब ने अभी कहा कि हमसे तो वो परिंदे अच्छे हैं, कभी मस्जिद पे जा बैठते हैं, कभी मंदिर पे जा बैठते हैं। आज की इस महफिल मिलाद जो कि जश्न विलादत पैगंबर इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में इनेकाद पज़ीर है, आज की इस तकरीब की सदारत फरमा रहे हैं मोहतरम जनाब पीर सैयद अली रज़ा फजल शाह साहेब, जो कि एक मारूफ मजहबी और रूहानी शख्सियत हैं। मेरे प्यारे आका की जो जात है वो सिर्फ, कल अभी पंडित साहब ने फरमाया कि सिर्फ एक फिरके के लिए मखसूस नहीं है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिलआलमीन। ऐ मेरे महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। वाल्मीकि मंदिर दी सभा चको खान साहब, कालो खान साहब ते मजीद उन्हां दे साथी
सरकार के चरणों के विच अपनी श्रद्धा के फुल पेश करते हैं। अब मैं गुजारिश करता हूँ मिनहाज डाक कौंसल नश्तर टाउन के साथियों को, जो के सभी आजी बिलाली बरादरान हैं, कि वो तशरीफ लाएं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया कीदत पेश करें। तमाम आने वाले जितने भी रूहानी और मजहब के जो काबिलीन हैं, उन सब का भी मैं स्वागत और धन्यवाद कहता हूं, और अपनी तमाम सभा की तरफ से भी धन्यवाद और स्वागत करता हूं, और मीडिया का भी बड़ा ही भरपूर तामन हमारे साथ, और उनका भी स्वागत और क्या कहते हैं कि धन्यवाद के हमारे साथ तमाम लोगों ने मोहब्बतें की। वी आर मतलब ट्राइंग के हम किसी तरीके से पीसफुल को एग्जिस्टेंस इस मुल्क में लेके आएँ, ताकि इंटर और इंट्रा फेथ के जो हमारे इश्यूज हैं उसके ऊपर हम आपस में लोगों को बिठा के बता सकें और दुनिया को ये बता सकें कि जी ऐसे कोई इश्यूज नहीं हैं, ये बड़ी पीसफुल सोसाइटी है और हम पीसफुली रहते हैं, और पीसफुल रहने के लिए हम आप जीते रहें इस काम के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम पादरी चमन सरदार है। IRC और मनहजुल कुरान और ये जो भाई भगत लाल ने शुरू किया, मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क में मोहब्बत और प्यार का प्रोग्राम है। हम पाकिस्तान के अंदर ये चाहते हैं तमाम मजाहिब, तमाम मसालिक, इस तरह का हालात आपस के अंदर मोहब्बत और प्यार और अमन, दीन चूँकि अमन का दीन है, और हजूर
रहमत लिल आलमीन है, तो इससे आगे हमें बढ़ना चाहिए और अपने मोहब्बतें बांटनी चाहिए और तकसीम करनी चाहिए, ना कि नफरतें। IRC और मुख्तलिफ तंजीमात ने जिस तरह मिलकर इसका अहतमाम किया और लोगों को इकट्ठा किया, आज ये वक्त की ज़रूरत है। आज इस मेलाद ने यह साबित किया है कि हम सब एक हैं और हजूर की ज़ात सब के लिए एक नमूना है, और इससे हमने सबक हासिल करना है। ये जो मौका इसलिए हमें मिला कि हम 6-7 साल से बैन अल मज़ाहब के हवाले से पंजाब के जो चेयरमैन हैं फिर सैयद अली रज़ा शाह साहब और वाइस चेयरमैन होने की हैसियत से हम यहाँ पे आया करते थे। भगत लाल जी हमें बुलाया करते थे अपनी देवी की जन्मदिन पे। भगत लाल साहब हमेशा यानी याद रखते थे, जब भी इनका कोई त्यौहार आता था, होली का आता था या कोई जन्मदिन इनका आता था इनके बुजुर्ग स्वामी जी का, तो उस वक्त हमें जो है ये बुलाया करते थे और हम आके यहाँ पे इनके साथ शामिल होते थे इनकी खुशी के साथ। और ये मैं समझता हूँ कि उस ये गवाह हैं इस बात का, ये उस बात की मैं समझता हूँ कि हमें सिला मिला है, और ये मोहब्बत इखलाकियात थी हमारी कि उस इखलाक इतना अंदर इनके डेवलप हुआ कि इन्होंने कहा कि अगर ये आते हैं मैं इनके बड़ों का क्यों ना जन्मदिन मनाऊँ। तो इन्होंने ये आज मिलाद मुस्तफ़ा मिला के हमें भी शुक्रिया का मौका दिया और पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम भेजा दिया कि देखो हम कोई आपस में लगड़ने झगड़ने वाले नहीं हैं, ये चंद लोग हैं जो फिसाद डाल रहे हैं, हम सारे एक हैं और एक रहेंगे।